नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही खास, बहुत ही टेस्टी 80 रुपए में 1 kg गुलाब जामुन, वो भी चाशनी और टिप्स के साथ, जो कि एक बार चाशनी में भीग जाए तो एक एक गुलाब जामुन लगभग 30 से 35 ग्राम का बनता है। तो आप सोचिए कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और दानेदार बनता होगा। तो फिर चले दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे गुलाब जामुन के लिए आधा कप बारीक सूजी लेंगे, यानी कि ये 150 ग्राम सूजी है। अब इसमें 1/4 कप दूध डाल के इसे मिक्स करके लेंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से भीग जाए। अभी इसे सेट होने के लिए इसको हम 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। तब तक गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम 2 कप से थोड़ा ज़्यादा चीनी लेंगे, यानी कि ये 600 ग्राम चीनी है। अब इसमें 1.5 कप पानी डाल के इसमें हल्का सा उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, और उबाल आने के बाद थोड़ा चम्मच चला लेंगे। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच गुलाब जल और थोड़ी सी इलायची पाउडर। अभी हम इसको पकाएंगे जब तक कि हमारी चाशनी घुल ना जाए, यानी कि चीनी घुल जाने तक। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी घुल ना जाए। ये देखो, हमारी चीनी अच्छी तरह घुल चुकी है दोस्तों। तो अभी हम गैस को बंद करके हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, ये फ्रेश मावा है। आज के बाजार भाव से ये 30 रुपये का मावा है, यानी कि 120 रुपये kg ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। दिवाली का सीजन है तो दोस्तों थोड़ा महंगा भी मिल सकता है। अब लेंगे 100 ग्राम मैदा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ पर हमें बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं। अब 1 चम्मच गुलाब जल लेंगे, यह ऑप्शनल है क्योंकि हमने चाशनी में इसे डाला हुआ है। अब लास्ट में थोड़ा इलायची पाउडर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसे मसलते हुए इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। जब यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब इसमें शुरू में जो हमने सूजी को भिगोया था उसे इसके साथ ऐड कर देंगे। सूजी से क्या होता है कि हमारे गुलाब जामुन अंदर से दानेदार और मैदे से सॉफ्ट बनते हैं। इसी तरह आप आटे को 5 मिनट तक मसलते हुए सॉफ्ट आटा लगा लीजिए। और गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें आटा ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज चाहिए। हमें तो ऐसा आटा चाहिए कि जिसके गोले बनाने के बाद उसमें क्रैक नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको एक गोला बनाकर दिखाता हूँ। ये देखो, इसको हम प्रेस करके देखते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें क्रैक नहीं पड़ा। अगर आपके गोले में क्रैक पड़ते हैं तो आप वापस आटे को मसल के सॉफ्ट आटा लगाएंगे तो क्रैक नहीं पड़ेंगे। तो अभी हम इस आटे के एक समान पीसेस कर लेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन साइज में एक जैसे हो। और पीसेस करने के बाद एक एक पीसेस को हाथों पे रखकर शुरू में जोर लगाकर गोल गोल घुमाते रहिए, और बाद में हल्के से घुमाते हुए आपका गोल गोल गुलाब जामुन तैयार हो जाएगा। दोस्तों, उतने आटे में ये 45 गुलाब जामुन बने हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप सारे गुलाब जामुन तैयार कर लीजिए। अभी आपको यह गुलाब जामुन छोटे लग रहे होंगे, आप आगे चल के देखिए, यह हमारे गुलाब जामुन 3 गुने बड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसे फ्राई करके लेते हैं।
तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही तेल को हाई फ्लेम पे गर्म करके लिया और बाद में गुलाब जामुन डालते समय फ्लेम को स्लो किया है। 6-7 गुलाब जामुन डालने के बाद थोड़ा चम्मच चला ले, नहीं तो बाकी गुलाब जामुन डालने से पहले ये नीचे से ज़्यादा डार्क होंगे। इसमें मैंने टोटल 13 गुलाब जामुन डाले हैं। अभी हम इसमें हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करके लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हो कि धीरे धीरे इसको सुनहरा कलर आना शुरू हुआ है। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन को बढ़िया सा कलर आया है। आप देख सकते हो कि ये साइज में पहले से डबल हुए है। तो दोस्तों अभी हमें इसे फटाफट निकालना होगा। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि ये ठंडे होने से पहले गुलाब जामुन को चाशनी में डालना है। और गुलाब जामुन को चाशनी में डालने के बाद सारे गुलाब जामुन को चाशनी में अच्छे से डुबो कर लेना है। ये धीरे धीरे जैसे चाशनी पिएंगे तो ये और भी बड़े हो जाएंगे। दोस्तों हमारे गुलाब जामुन तो तैयार है लेकिन हम इसे अभी नहीं खा सकते। इसे खाने से पहले कम से कम 2-3 घंटे चाशनी में भिगो कर लेना पड़ता है ताकि गुलाब जामुन को बढ़िया सा टेस्ट आ जाए। 3 घंटे के बाद निकाल कर आप आराम से खा सकते हो। तो आपको आज की गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। रही बात 80 रुपये में 1 kg गुलाब जामुन बनाने की, तो वो कैलकुलेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो।